हाँ जय श्री राम, जय माला जितांबा। आज चलते हैं ज्योतिष शास्त्र का सामान्य परिचय पढ़ते हैं। ज्योतिष शास्त्र के प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन से? सबसे पहले हम पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, सूर्या पिता महा पिता महो व्यासो वशिष्ठोत्री पराशरः कश्यपो नारदो भर्गो मरीचिर मनु अंगिरा लोमिसः पौलिसश्चैव चवनो यवनो भृगु सौनकोष्ठादश्चेते। ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तक, ये जो है ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक हैं, इनके द्वारा ज्योतिष का विस्तार हुआ। वैसे तो ज्योतिष का जो मुख्य प्रवर्तक हैं वो वेदव्यास जी हैं, क्योंकि वो वेद से ही निकला है, तो वेद का एक अंग है, वेदांग उन्हें बोला जाता है, लेकिन उन्होंने इसका विस्तार किया, इसलिए इनके प्रवर्तक के रूप में ही आए हैं। अब चलते हैं भेद के रूप में, तो प्रमुख भेद कौन कौन से हैं? ज्योतिष शास्त्र के अनेक भेद हैं, एक नहीं अनेक भेद हैं, लेकिन फिर भी कुछ विद्वानों के मतों के अनुसार उन्होंने तीन भेदों को निकाला। कौन कौन से? सिद्धांत, संहिता और हुरा। सिद्धांत के अंतर्गत क्या आता है? ग्रह नक्षत्र और यंत्र, ग्रह नक्षत्रों के द्वारा उनकी गतियों और अंत यंत्रों के बारे में परिचय। नक्षत्र हुआ ग्रह, नक्षत्र हुआ ग्रहों का जो प्रभाव भूमि तत्व पर जो पड़ता है सभी प्रकृति वालों पर, उसका उसके बारे में बताता है संहिता। फिर हुरा क्या है? मानव जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक जो प्रश्न किए जाते हैं उन सब प्रश्नों का उत्तर देता है कौन? हुरा। और हुरा का एक अर्थ और है, दिन और रात। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं संहिता। संहिता के जो तीन तत्व है कौन कौन से हैं? पंचांग विषयक, राष्ट्र विषयक, व्यक्ति विषयक। कल बात करेंगे हम संहिता के जो ये पंचांग विषयक और राष्ट्र विषयक तथा व्यक्ति विषयक है। आज के इतना ही। जय सियाराम, जय माला जितांबा।